नबी इक्रम नूर मुजस्म शफ़ी अलैहि वसल्लम ने इस दिन का जो तज हदीस शरीफ़ जो है मिश्त शरीफ़ में भी मौजूद है और बहकी शुब ईमान के तीन सौ तैतालीस सफ़े पर है जो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तवैत करते हैं फ़ाइज़ा का न योम जब इनकी ईद का दिन होता है यानी मुसलमानों की ईद एद, फितर का दिन होता है इज़ा का ना योम ईद हिम यानी योम फितर हिम इनकी का दिन होता है बाहा बिह मलाहु अल्लाह इनकी वजह से अपने फरिश्तों के सामने इन पर फख्र करता है तुम्हें तो ना कोई भूख का मसला है ना कोई प्यास का मसला है और ये ऐसे हैं कि जिनके लिए ये आवारज़ हैं भूख प्यास इनको आरज़ होती है और इसके बावजूद भी ये फ़रार नहीं हुए इन्होंने ए, मेरे साथ वफा की है मेरा हुक्म माना है फ़क़ाला और फरमाता या मलायकती मा जजाव अजीर वफ़ा आमला हूँ मुझे ये तो बताओ उस मज़दूर के साथ क्या सलूक करना चाहिए कि जिसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी हो कालू रब्बाना जजा उहू युता युताजर कि उसकी जजा फिर यही है कि उसको उसका जो वजीफ़ा बनता है जो दिहाड़ी उसकी बनती है जो उसके साथ तय किया गया था रखा गया था कितना काम करो तो तुझे ये अजर मिलेगा तो जब वो पूरा कर चुका है तो फिर उसको उसका अजर दे देना चाहिए तो खालके कायनात फरमाता या मलाइकाती ए फरिश्तो अबीदी वमाई अबीदी आमा की जमा और अब्द की जमा मेरे बंदे और मेरी बनियाँ यानी जिन्होंने रोज़े रखे हैं मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें यानी औरतें भी ईद पढ़ने आई हैं तो इनका ज़िक्र करके जलाल फरमाता है मेरे फरिश्तों कदो फरीदाती हम मैंने इन पर जो फ़र्ज़ किया था इन्होंने वो करके दिखा दिया है यानी उसकी अदायगी इन्होंने कर दी है सुम्मा ख़ारा जू फर्ज़ पूरा करके फिर ये निकले हैं यानी वैसे ही नहीं आ गए यउ्जू न इला बदवाय और फिर भी यानी ये नहीं समझते कि ये कोई मुझ पे एहसान कर चुके हैं और फिर भी इनकी आँखों में अश्क रवा है और ये ए, रो रहे हैं चीख चिल्ला रहे हैं मुझे पुकारते हुए कि अरे मैं इनकी इबादत को कबूल कर लूँ और मैं इनकी दुआ को कबूल करूं इस तरह ये निकले हैं आगे ये फरमान सारा हदीसे खुद सी है यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो ये एक तो फर्ज अदा करके आए हैं ये नहीं कि आज चीख चिल्ला रहे हों रोज़े रखने के वक़्त रोजे ही ना रखा हो उस वक़्त खिलाफ़ वर्जी करते रहो और आज बड़ी मुआफ़ी मांग रहे हों ऐसा नहीं ये जो मैंने इन पर लाजम किया था वो ये पूरा करके आए हैं और अब जो है कर के ड्यूटी भी ये नहीं समझते कि मुझ पर वाजिब है कि मैं इनको सवाब दूँ फिर भी ये समझते हैं कि मुझ पर कोई किसी का हक वाजिब नहीं मैं मेरा करम है कि मैं इनको नवाजूँ और ये इस अंदाज़ में मुझसे दुआ कर रहे हैं तो खाल के जल्ला जलाल फिर कसम उठा के कहता व इज़्ज़ती व जलाली वर्मी व उलवी वी मकानी लाउजी बन न हो यानी अब अल्लाह ताला ने पांच कसमें उठा के फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तो गवाह हो जाओ मुझे मेरी इज्जत की कसम मुझे मेरे जलाल की कसम मुझे मेरे करम की कसम मुझे मेरी बुलंद शान की कसम मुझे मेरी बुलंद सिफात की कसम ल उजीबन न होम मैं ज़रूर बे ज़रूर इनकी दुआओं को कबूल करूँगा फ़यकूल हो तो अल्लाह फरमाता इर्जो फ़कत गफ़र तो लकुम अब वापस चले जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया है इर्जु रजू ये होता है जहाँ से कोई आया उधर उसको भेजना कि तुम घरों से आए हो अब वापस तुम चले जाओ मैंने तुझे बख्श दिया है और अगला इससे भी बड़ा इनाम है और वबदल तो सयात कुम हसनात। मैंने तुम्हारे जो गुनाह होते उनको नेकियां बना दिया यानी एक तो है ना कि गुनाह खत्म हो जाएं सिर्फ एक यह कि जितने गुनाह हैं उतनी नेकियां मिल जाएं तो यह ईद के दिन का अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है बदल तो सैआत कुम हसनात के मैंने तुम्हारी सै आत को हसनात में बदल दिया है ये डबल अल्लाह की तरफ से इनाम है कि गुना तो एक भी जिम्मे नहीं रहा बाक़ी जितनी नेकियां हैं वो तो नेकियां हैं ही ये जितने गुनाह थे इतनी तुझे नेकियां भी दे दी हैं यानी ये काला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम फ़रमाते हैं फजर जऊना मगफूर ये है ईद का दिन मुसलमानों की ईद आए थे तो गुनाहों की गठड़ियाँ कंधों पे थी जा रहे हैं तो कोई एक छिटांग जितना गुनाह भी नहीं है सारे वहाँ जड़ गए हैं सारे गुनाहों के दाग मिट गए हैं और जितने उसके लिए बोझ थे नाम अमाल की जो स्याही थी ईद के मैदान में बरसने वाले रहमत की बरसात से उसके सारे दाग जो हैं वो मिट गए हैं तो ये रमज़ान का वो फैज़ है कि जिसके अख्ताम में जुल जलाल ने ईद के ये लम्हात लम रखे हैं